वेलकम टू हेल्दीश, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आज हम बना रहे हैं ग्रिल चिकन विद तज़ीकी सॉस, जो कि एक टर्किश योगर्ट है जिसके साथ हम कुछ वेजिटेबल्स ग्रिल करेंगे। ये डिश लो कैलोरी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी और मज़ेदार भी है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना चिकन मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 4 टेबलस्पून दही। इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून क्रश लाल मिर्चें, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और चुटकी भर काली मिर्च। मिक्स्ड हर्ब्स अगर अवेलेबल हैं तो डाल लें। इस सब को हम मिक्स करके चिकन पे कोट कर देंगे। मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन ब्रेस्ट पीस यूज किया है। आप चाहें तो चिकन का कोई भी पीस यूज कर सकते हैं। कोट करके इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। अब हम बनाते हैं अपनी टर्किश योगर्ट सॉस। इसके लिए हमें चाहिए एक खीरा, जिसको हमने कद्दूकश कर लेना है। फिर इस तरह से सारा पानी निकाल कर इन्हें ड्राई कर लें। और पानी रिमूव कर दें। फिर 1 कप दही में क्रश किया हुआ खीरा डाल दें। जाएगा 1/2 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन, चुटकी भर नमक, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 आखिर में कुछ पुदीने के पत्ते। एंड आवर टर्किश योगर्ट सॉस इज रेडी। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की ले सकते हैं। हमने यहाँ पे गाजर, गोभी, खीरा और शिमला मिर्च ली है। अगर आप गाजर और गोभी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें ग्रिल करने से पहले उबलते हुए पानी में 4 से 5 मिनट तक पकाएं, 1 चम्मच नमक डालकर, और ड्रेन करके रख लें। अब हम लेंगे ग्रिल पैन। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो ये रेसिपी आम पैन में भी आसानी से बन सकती है। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल दें।
चिकन को दोनों साइड पर 5 मिनट तक पकाना है। चिकन को प्रेस करें ताकि उस पर ग्रिल मार्क्स बन जाए। बचे हुए मैरिनेट से चिकन को कोट कर लें। जब चिकन पूरी तरह पक जाए तो इसे पैन से निकाल लें। अब इसी पैन में थोड़ा सा पानी ले लें और इसे उबाल लें। अब इसमें सब्जियां डालें और इसे तेज आंच पर 1 से 2 मिनट तक पकाएं। डिश को प्लेट कर लें और टर्किश योगर्ट के साथ सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।